टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत की समुद्री ताकत लगातार मजबूत हो रही है। अब इस ताकत में नया नाम जुड़ा है, स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी करंज का। एडवांस तकनीक से लैस आईएनएस करंज पूरी तरह से भारत में बनी है। समंदर में करंज दुश्मन के खेमे में कैसे कहर भर पाएगी, ये आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। समंदर में उतरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक। समंदर में करंज के कहर से अब नहीं बचेगा दुश्मन। चकमा देकर दुश्मन को मारने में माहिर। पानी में रहकर जमीन पर करती है घातकवार। गहरे समंदर में नौसेना का एक और रक्षक उतर गया। भारतीय नौसेना को ताकत देने वाली और पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा देने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी सबमरीन करंज को मुंबई के मझगांव डॉक से समंदर में उतार दिया गया। एक साल के ट्रायल और टेस्ट के बाद ये सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डीसीएनएस फ्रांस, यानी कि जो शिप बिल्डर है फ्रांस का, जो कि जहाज बनाता है फ्रांस में, उस कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत में बनाया गया करंज पनडुब्बी है। ये मझगांव डॉक लिमिटेड में इसे बनाया गया है। स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी, छह ऐसी पनडुब्बियां भारत के पास आनी है जिसमें से ये तीसरी पनडुब्बी है। पहली कलवरी, दूसरी खांदेरी और तीसरी करंज जो है वो जलावतरित होने जा रही है, जलावतरण उसका होने जा रहा है। इसके बाद ये सी ट्रायल्स पे जाएगा और उसके बाद अगले साल इसकी कमीशनिंग कर दी जाएगी। जब हमारी सेना ताकतवर होती है तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का पल होता है। मुंबई के मझगांव डॉक पर भी माहौल गौरवपूर्ण था। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और दूसरे नौसैनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करंज को समंदर में उतारा गया। पहले पूजा पाठ हुआ, फिर राष्ट्रगान और उसके करंज कैसे दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगी और क्यों चीन और पाकिस्तान करंज के नाम से काँप रहे हैं, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो अद्भुत नजारा देख लीजिए जब इस सबमरीन ने समंदर में अपने कदम रखे। इस वक्त जो है वो सीएनएस यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुनील लांबा की जो धर्मपत्नी है रीना लांबा, उन्होंने इस पनडुब्बी को जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पूजा की गई है, उसके पहले जो है वो गीत गाया गया और उसके बाद उसकी पूजा की गई और उन्होंने कामना की कि जो भी इसका जो क्रू रहेगा, जो भी जो ऑफिसर्स इस पे रहेंगे, जो सेलर्स रहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रीना लांबा जो कि सीएनएस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुनील लांबा की दंपत्नी है, उन्होंने इस करंज को लॉन्च कर दिया गया है। अभी जो आप इस पनडुब्बी को देख रहे हैं, करंज को, ये पॉन्टून पे इस वक्त इसे रखा गया है। इसी पॉन्टून पर पिछले डेढ़ से दो सालों से इसे बनाया जा रहा था। आधिकारिक तौर पर करंज का जलावतरण हो रहा है। मझगांव डॉक लिमिटेड से निकलकर अब समंदर में जा रही है जहां पे कड़े परीक्षणों से इसे गुजरना पड़ेगा और भारत माता की जय के नारे जो है सारे जो मझगांव डॉक लिमिटेड के कर्मी वो लगा रहे हैं। साथ ही जो नौसैनिक ऊपर फिन पे मौजूद हैं, करंज पनडुब्बी के फिन पे मौजूद हैं, वो भी लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रहे। और यही इस पनडुब्बी का काम है कि भारत जो हमारा देश है उसका जय होता रहे और हर जगह विजय पाए। चाहे वो अगर दुश्मन के इलाके में जाके अगर इंटेलिजेंस भी गैदर करना हो तो उसमें भी एक विजय पाए। अगर कोई दुश्मन बुरी निगाह रखता है भारत की तरफ तो कैसे उसे सबक सिखाना है, उसके लिए भी ये पनडुब्बी जो है वो तैयार रहेगी। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। जिस करंज सबमरीन को आप समंदर में उतरते देख रहे हैं वो 34 साल तक देश की सेवा कर चुकी है, फिर इसे रिटायर किया गया था। करंज इससे पहले 4 सितंबर 1969 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी, जिसके बाद उसे 2003 में रिटायर कर दिया गया। 1971 में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली इस पनडुब्बी को लेकर एक फिल्म भी बन चुकी है।
2016 में आई फिल्म आईएनएस गाजी अटैक में करंज की कहानी ही दिखाई गई है, जब करंज 18 दिनों तक समंदर के पानी के अंदर था और दुश्मनों से बच रहा था और दुश्मनों पर अचूक निशाना साध रहा था। करंज को आईएनएस, तब आईएनएस करंज था, 2003 में इसे 34 साल की लंबी सेवा के बाद डीकमीशन किया गया। भारतीय नौसेना में, भारतीय डिफेंस फोर्सेज में यह प्रथा है कि कोई भी शिप, कोई भी पनडुब्बी अगर डीकमीशन होती है तो उसी नाम पर फिर से दूसरा शिप या दूसरा पनडुब्बी जो है वो फिर से कमीशन किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। और इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना करंज को आज जलावतरित करेगी और उसके बाद सी ट्रायल्स होंगे। समंदर में कड़ी परीक्षण के साथ गुजरेगा करंज और उसके बाद फिर अगले एक साल में इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। देखते ही देखते दुश्मन को तबाह कर देने वाली करंज चकमा देने में बेहद माहिर है और इसकी वजह है स्टील तकनीक। मेक इन इंडिया के तहत तैयार हुई आईएनएस करंज क्यों इतनी ताकतवर कही जा रही है, अब हम आपको ये दिखाते हैं। आधुनिक फीचर्स से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। पनडुब्बी हर तरह के वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को बखूबी अंजाम दे सकती है। 1565 टन वजनी है। करंज की स्टेल्थ फीचर जो है उसकी दुनिया में कोई सानी नहीं है। स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन होती है, खास करके ये जो भारत में बनी है, इन्हें दुश्मन का कोई भी रडार जो है वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनमें एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंसिंग तकनीक के जरिए बनाई गई है। लो रेडिएटेड नॉइज लेवल्स है इनके। हाइड्रो डायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप जो है, यानी कि इसका जो शेप है, इसका जो बनाया गया है इसे जिस तरीके से, उसकी वजह से दुश्मन का कोई भी रडार जो है वो स्कॉर्पियन क्लास की किसी भी पनडुब्बी को नहीं पकड़ सकता। और सबसे बड़ा काम जो पनडुब्बी का होता है वो इंटेलिजेंस गैदर करने का होता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में इन पनडुब्बियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी भारत को। इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की स्थिति में इसमें ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, यही वजह है कि ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है। इसे फ्रांस की तकनीक पर तैयार किया गया है। फ्रांस की TCNS ने इसे बनाने में सहयोग दिया है। आईएनएस करंज बनी तो भारत में है लेकिन इसकी तकनीक फ्रांस की है। भारत की 2029 तक 24 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। इसके पहले प्रोजेक्ट P75 के लिए फ्रांस की DCNS और MDL के बीच 2005 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौता हुआ और आगे भारत DCNS के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी 12 कुंडा बनाने जा रहा है। रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS नेवी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। बाराकुडा मशीन वाटर जेट की मदद से चलती है। समुद्री दानों कही जाने वाली बाराकुडा बहुत ही खामोशी से पानी में आगे बढ़ती है। युद्ध के हालात में इसके हाइड्रोजेट इंजन इसे बेहद चपल शिकारी बना देते हैं। बाराकुडा में सबसे एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी लगी है। बाराकुडा में एक टॉर्पीडो लॉन्चर सिस्टम भी है जो पानी के भीतर से 1000 नॉटिकल की दूरी पर मौजूद टारगेट पर क्रूज मिसाइलों से फायर कर सकता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और अरब सागर के पास पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए सबमरीन काफी अहम भूमिका निभाएगी। आइए एक नजर डालते हैं चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कहां खड़ी है हमारी नौसेना। भारतीय नौसेना को पूरी दुनिया में चौथे नंबर की रैंकिंग मिली हुई है। हमारी नौसेना के पास फिलहाल 295 है। विमान वाहक पोतों की संख्या 3 है जिसमें एक सर्विस में है। कुल युद्ध पोतों की संख्या 14 है। डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 11 है। लड़ाकू जल पोतों की संख्या 23 है। सबमरीन की संख्या 15 है। निगरानी जहाजों की संख्या 139 है और छोटे युद्धक जहाजों की संख्या 6 है। वहीं अगर हमारे सबसे करीबी दुश्मन पाकिस्तान की ताकत देखें तो उसकी नौसेना पूरी दुनिया में 13वें नंबर की रैंकिंग पर आती है। पाकिस्तान के पास कुल जहाजों की संख्या 197 है। कुल युद्ध पोतों की संख्या 10 है।
सबमरीन की संख्या 8 है, निगरानी जहाजों की संख्या 17 और छोटे युद्धक जहाजों की संख्या मात्र 3 है। जबकि पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू जलपोत और विमानवाहक पोत नहीं है। लेकिन चीन इस मामले में भारत से 20 है। चीन की नौसेना पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, यानी हमसे एक नंबर आगे। चीन के पास कुल जहाजों की संख्या 714 है, विमानवाहक पोतों की संख्या 1 है, कुल युद्ध पोतों की संख्या 51 है, डिस्ट्रॉयर की संख्या 35, लड़ाकू जलपोतों की संख्या 35, सबमरीन की संख्या 68, निगरानी जहाजों की संख्या 220 और छोटे युद्धक जहाजों की संख्या 31 है। जो टेक्नोलॉजी करंट में है वो बाकी सबमरीन जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के पास बहुत आगे है। लेकिन भारत समंदर की ताकत बढ़ाने में जिस तेजी से कदम रख रहा है उससे वो जल्द ही चीन के इन आंकड़ों को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान और चीन की तरफ से समुद्र के अंदर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को मंजूरी दी थी और इन सभी पनडुब्बियों को समंदर में उतारने के लिए नौसेना ने 2020 तक का टारगेट रखा है। नौसेना मेक इन इंडिया के मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। P-75 प्रोजेक्ट के तहत 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर स्कॉर्पियन सीरीज की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह की ताकत से लैस इस पनडुब्बी के आने के बाद से नौसेना के पास कुल 15 पनडुब्बियां हो जाएंगी, फटाफट लॉन्च हो जाएंगी इसी साल में। मैं 2 सबमरीन के सेक्शन जो है मेरी टीम जो है वो पूरी की पूरी उनको रेडी कर लेगी। और ये जो सबमरीन अभी है जो खंडेरी, इसको इसी साल में हम डिलीवर कर देंगे एंड मुझे पूरा विश्वास है कि इसी साल वो कमीशन हो जाएगी। अगर यूं ही समंदर में हमारी ताकत उतरती रही तो फिर जाहिर है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कल सुबह 6 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे मोदी सरकार का आखिरी पूरा बजट।